बड़वानी जिले में नर्मदा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट होने की बात कर रहा है। मीडिया से चर्चा में कलेक्टर वर्मा ने बताया कि सरदार सरोवर बांध के गेट खोल दिए गए हैं, जिससे अब जल स्तर 131 मीटर स्थायी हो जाएगा। इससे ज्यादा जल स्तर नहीं बढ़ेगा, जिस पर नर्मदा बचाओ आंदोलन ने कलेक्टर के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया और कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है, दुष्प्रभावितों से संवाद करना चाहिए, क्योंकि ओंकारेश्वर और बारगी बांध के गेट खोले जाने के बाद 11 लाख क्यूसेक पानी आ रहा है और सरदार सरोवर बांध से 9 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जबकि 2 लाख क्यूसेक पानी स्थायी है, जिससे लगातार नर्मदा नदी का जल स्तर बढ़ रहा है और आज का जल स्तर 134 मीटर है, जबकि कलेक्टर 131 मीटर बता रहे हैं। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। कलेक्टर का कहना है कि सरदार सरोवर के गेट खुल चुके हैं, अब पानी 131 से ऊपर नहीं जा रहा है और कुछ चिंता वाली बातें नहीं आ रही। कलेक्टर साहब का जो बयान है बिल्कुल निराधार है, गलत है, गैरकानूनी तरीके से गलत है, क्योंकि सरदार सरोवर बांध में 133 मीटर तक पानी घुस आ चुका है और राजघाट का आज का लेटेस्ट लेवल 134 मीटर पानी आ चुका है। तो जिस तरीके से 131 की बात कर रहे हैं, बिल्कुल गैरकानूनी तरीके से गलत है। और ऊपर की जो बांध है, इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर और बरगी, ओंकारेश्वर के 21 गेट खोले गए और बरगी के 14 गेट खोले गए हैं, जिससे 11 लाख से ज़्यादा क्यूसेक पानी आ रहा है और डैम से सरदार सरोवर से 9 लाख क्यूसेक पानी से छोड़ा जा रहा है। तो जो 2 लाख क्यूसेक पानी है, उसका स्टॉक बढ़ते जा रहा है। और जो दूसरा है कि राजघाट में देखने के लिए गए थे कलेक्टर साहब अपन, परंतु विस्थापितों से बातचीत तक नहीं की है। तो जो बिल्कुल एक तरीके से सरकार, कलेक्टर साहब ने बात करना चाहिए, पिछले कलेक्टर साहब ने भी बात करी, संवाद करा था, ये कलेक्टर भी संवाद करे और बातचीत करे कि क्या स्थिति है, क्या क्यों पुनर्वास के विस्थापितों को लड़ना पड़ रहा है, क्यों अपनी संघर्ष का बात उठाना पड़ रहा है। आपको शायद पता नहीं है, नर्मदा का जल स्तर 131 से आगे नहीं बढ़ रहा है, उसके नीचे से सरदार सरोवर के डैम खोले जा चुके हैं। हमारा पूरा इस पर नज़र है, पर डे रिपोर्ट आती है, ऊपर से जो पानी जो छोड़ा जाता है उसकी जानकारी हमको तत्काल आती है, हमारी पूरी टीम तैनात है और अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि उसको लेकर कोई परेशानी हो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।